ये पे मेरे पास है ओप्पो एफ नाइन प्रो, और ओप्पो एफ नाइन प्रो में C.19 अपडेट आ चुका है। उसका डिटेल्स मैंने बता दिया, अभी तक तो डिटेल्स रिव्यू नहीं लेके आया हूँ। मैंने डिटेल्स भी बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। तो C.19 अपडेट आने के साथ साथ ओप्पो एफ नाइन प्रो में एक नया फीचर ऐड हुआ है, वो है वॉइस ओवर वाईफाई, मतलब वाईफाई कॉलिंग। तो मैंने उसी टाइम कमेंट पे बताया था, मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी बताया था वाईफाई कॉलिंग वाला फीचर ओप्पो एफ नाइन प्रो में आ गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का शायद ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ढूंढ नहीं पा रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कहाँ पर है ये वाईफाई कॉलिंग फीचर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाएंगे ओप्पो एफ नाइन प्रो में आप वाईफाई कॉलिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मेरे नाम आप देख रहे चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं ओप्पो एफ नाइन प्रो का वाईफाई कॉलिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वाईफाई कॉलिंग करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, इंडिया में सिर्फ एयरटेल और जियो ही सपोर्ट करता है वाईफाई कॉलिंग वाला फीचर। तो अगर आपके पास एयरटेल और जियो है तभी आप कर पाओगे, अदर कोई भी सिम यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो देख लो यहाँ पे ओप्पो एफ नाइन प्रो में आपको कहाँ पर मिलेगा ये सेटिंग और कैसे आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये है ओप्पो एफ नाइन प्रो मोबाइल, और एफ नाइन प्रो मोबाइल में आप कैसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हो वॉइस ओवर वाईफाई और कॉलिंग। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सिम चाहिए, या फिर आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डुअल सिम एंड नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क। तो यहाँ पे डुअल सिम एंड नेटवर्क जाने के बाद मेरे सिम 1 है जियो और सिम 2 में है एयरटेल। तो सिम 1 में अगर आप, तो उसके बाद आपको इस सिम के अंदर घुसना है, सिम इन्फो एंड सेटिंग्स के अंदर घुसना है, सिम 1 पे जाइए। अगर सिम 1 पे दोनों में ही आप वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो, तो ये देखो वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन है, इनेबल करा हुआ है। सिम कार्ड एयरटेल, ये है जियो 4G, सॉरी ये जियो सिम है, और इसमें देखो डेटा रोमिंग के नीचे ठीक वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन है। तो वाईफाई कॉलिंग ये बाई डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो आपको यहाँ पे कर देना है ऑन। और ऑन करने के बाद यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग वाला जो फीचर है, वाईफाई कॉलिंग प्रिफर्ड के कॉलिंग सेलुलर प्रिफर्ड, तो यहाँ पे आपको करना है वाईफाई कॉलिंग प्रिफर्ड। वाईफाई कॉलिंग प्रिफर्ड करने के बाद आप ऊपर में देखो एक साइन आ चुका है यहाँ पे, ये है वॉइस ओवर वाईफाई 1 और 2, दोनों सिम में मेरा किया हुआ है, इसीलिए 2 सिम यहाँ पे देखा जाता है। तो ऐसा सिग्नल जब दिखा देगा आपको वाईफाई कॉलिंग हो जाएगा। और सिम 2 का भी यहाँ पर सेम है, तो सिम 2 एयरटेल है मेरा, यहाँ पे देख सकते हो एयरटेल सिम है। तो इसका भी वाईफाई कॉलिंग में जाओ, वाईफाई कॉलिंग ऑन करो, ऑन करने के बाद वाईफाई कॉलिंग प्रिफर्ड करना है और सेलुलर कॉलिंग प्रिफर्ड नहीं करना है। सेलुलर कॉलिंग प्रिफर्ड करोगे तो सेलुलर से ही कॉल जाएगा, नहीं तो वाईफाई से कॉल जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो और वाईफाई कॉलिंग का मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप सेटिंग्स में जाके ढूंढ सकते हो और वाईफाई कॉलिंग का मज़ा ले सकते हो। वाईफाई कॉलिंग में जो फीचर होता है क्या होता है, अगर आपके घर में नेटवर्क कम है और आपके पास वाईफाई है, कोई भी वाईफाई चलेगा, सिर्फ एयरटेल या जियो फाई का ही नहीं, कोई भी वाईफाई होगा उसके थ्रू कॉल हो जाएगा, और कॉल का क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा होगा, वॉइस ब्रेक भी यहाँ पर नहीं होगा। तो वाईफाई कॉलिंग अच्छा होता है। अगर आपके पास वोडाफोन, सॉरी आपके पास एयरटेल और जियो है तो आप इनेबल कर सकते हो, नहीं तो नहीं इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे वॉइस ओवर वाईफाई का मज़ा ले सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, बाय।